हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज है 17 नवंबर और आज फ्राइडे भी है। तो सुबह में उठी 11 बजे, क्योंकि अभी दिवाली वेकेशन चालू है मेरा, और मेरा स्कूल अभी 24 नहीं तो 25 को ही रीओपन होगा सीधा। उसके मैंने नाश्ता वगैरह तो किया, तो बस मेरे को भी नहाने को जाने का है। फिर नहाके मेरा सब काम वगैरह करके हो जाएगा, बस नहाना ही बाकी है मेरा अभी। तो अभी है ना, मम्मा ने ना ऋतु का बाल काटा था, तो उसका बाल कट करके हो गया, तो उसको बाहर टब में नहला रही है गैलरी में। क्या बहुत दिन हो गया उसको नहलाया रही है टब में, और उसको और मेरे को ना खांसी और सर्दी दोनों है, इसकी वजह से मम्मा उसको टब में नहलाती नहीं थी, आज नहला रही है। तो तू इकड़े में केस दाखो, तुझे केस दाखो इकड़े में। उसका बाल पूरा छोटा कर दिया मम्मा ने। इकड़े बाग ऋतु, इकड़े बाग ऋतु, सवाल पूरा छोटा कर दिया मम्मा ने। आज सुबह सुबह है ना, मम्मा गई थी बाहर फिश लाने को, तो फिश तो अच्छा मिला नहीं मम्मा को, तो मम्मा चिकन लेके आई। ये देखो चिकन, आधा किलो चिकन लाया। अच्छा चिकन दिया, पर देखना फ्रेश है। हाँ, मेरे सामने काट के दिया, बोले लेग पीस इतना रखो। मेरे हाँ रखो, चलेगा कि कौन खाएगा, तू और मैं ही खाने वाले। बाबू को नीचे से जाके दो अंडा लेके आ। हाँ, चिकन उतना अच्छा नहीं लगता है। कभी ना पापा के फ्रेंड आया था, और उन्होंने ना ये क्या इडली दो, इडली और मेदू वड़ा, दाल वड़े, चाके सू, सब कुछ दे के गए। अभी अभी जस्ट आके गए वो, चटनी वगैरह सब दिया। हेलो मम्मा, क्या क्या कितना दे के गए बाबा? हाँ, स्टॉल लगाया ना वो, उन्होंने वैसा इसकी वजह से निकलो। बाबा चटनी के क्या है? खोबरे का चटनी, कोकोनट चटनी, इतना कौन खाएगा? हाँ ना, और वैसे एक और भी है। दाल वड़ा। हाँ, और मेंदू वड़ा। हाँ, मेंदू वड़ा है। इडली नहीं, इसमें है ऑनियन, घरों में सब घरों में अभी भी बना रहे हैं। रखो अच्छे से। तो आज खाना मत बनाओ दोपहर को, दोपहर को यही खाएंगे। चिकन कौन खाएगा तू? अरे हाँ, चिकन भी तो है, चिकन रात को बनाओ। चलो इसको फ्रिज में मत रखो, ऐसे बाहर ही रखो, नहीं तो खराब हो जाएगा। ये बोले क्या बोला? हाँ, और वो टमाटर वाला रख सकते फ्रिज में। हाँ, वो रख सकते। मेरा रुपी का ना नाके भी हो गया, तो रुपी इधर बैठ के फोन देख रही है, और मम्मा कब से किचन में खाना बना रही है, तो देखते मम्मा का खाना बना के हुआ है कि नहीं बना रही है। पूरा घर में ना चिकन का स्मेल हो गया है। और रुपी को ये एक अंडा हो गया, हो गया, मुझे इसको देख के ही भूख लग गई है। ठीक है, मोबाइल पढ़ना राडू। इकड़े भाई, इकड़े भाई, इकड़े भाई, ना ना है। तो मामा मेरा खाना निकाल दिया, निकालो मामा। बाबूला पाइचे आई है। और अभी हमने खाया नहीं, हमारे तो लेबर से हमको उनको दे दिया, हमने चिकन बनाया था ना इसकी वजह से। अरे अरे अरे, अभी हम खा रहे हैं बस, शाम को स्नैक्स। और रुचि को लड्डू चाहिए, तो पूरा डब्बा ही लेके आई वो बेसन के लड्डू का। अभी हमें ना बाहर जा रहे हैं, हमारे इधर है ना फड़के रोड पे ना लाइटिंग्स वगैरह लगाए, दिवाली की डेकोरेशन की है ना, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम वही रेडी वगैरह हो गए, तो अभी हम निकलने वाले। देखो रुचि, रुचि को ना फुल कपड़े पहना है, क्योंकि बाहर ठंडी होने वाली है ना इसकी वजह से। हाय कर, हाय। मैं करना चल। तो अभी 10 बज रहे, खाना वगैरह तो नहीं खाए, आके खाएंगे। तो अभी हमें ना पहुँच गए फड़के रोड, आप देख सकते हो कितना अच्छा लाइटिंग है।
फर्शी इकडे फोटो पूछती है। कितने अच्छे अच्छे पिछले साल भी थे इधर। गाड़ी पार्क करेगी इधर। दीपावली चा हार्दिक शुभेच्छा। मेरे साथ फ्रेंड्स देखो ना कितना बड़ा कंदील, इतना बड़ा कंदील तो मैं पहली बार देख रही हूँ। फोटो है कितना बड़ा कंदील है। इधर भी एक फोटो बोलते मम्मा मम्मा ने रुचि को फुग्गा लिया। फुग्गा के लिए फर्स्ट फुग्गा 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 पाई जी। मैं गूगल पे होगा ना रुचि इकड़े किधर मम्मा अच्छा हाथी के पीछे अभी हमें लोटस की तो इधर है ना सब है ना फोटोज निकालने के लिए ही आते हैं लोग फोटोज ही निकाल रहे हैं को फुग्गा लिया तो वो खुश होगी पहले फुग्गा फुग्गा कर दी सब फोटोज ही निकाल हम घर पे जा रहे हैं हम जो तो फोटोज निकालने के लिए आए थे तभी हम जा रहे हैं घर पे और तो लोग डेकोरेशन और फोटोज निकालने के लिए आते हैं इधर और हम भी उसी के लिए आए थे निकल रहे कितने मस्त डेकोरेशन है पिछले साल भी हम आए खाता बने को आए बस खत्म हो गया। जस्ट घर पे पहुंचे और रुद्री का फुग्गा फोड़ के भी हो गया तो हम अभी ना रुद्री के लिए ना बटेटे का भाजी बना रही है उसको बटेटे का भाजी चाहिए ना चिकन नहीं खाएगी ना इसकी उसकी लिए मम्मा बटेटे का भाजी बना रही है देखो फ्रेंच फ्राइज के शेप का हमारा है ना दोपहर का ना चिकन भी है तो हम ना वो ही खाने वाले हैं। चलो फ्रेंड्स ये व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इस व्लॉग को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय एवरीवन टेक केयर एंड लव यू ऑल।